सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के अजीबोगरीब धंधे पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ऐसे हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कई कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, मसाले, साबुन और नमकीन जैसे उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही थी। ऐसी 9 कंपनियों के खिलाफ लखनऊ के थाने में FIR दर्ज की गई है। हलाला सर्टिफिकेशन को लेकर सरकार जल्द ही कड़े नियम भी बना सकती है। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया है, तब से इसमें तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज हुई है। एक शख्स की शिकायत पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमियत उलेमा महाराष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ IPC की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। भारत में कोई सरकारी संस्था ऐसी किसी तरह का सर्टिफिकेशन जारी नहीं करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है। इस्लामिक धर्मशास्त्र में जिन चीजों को हराम बताया गया है उसे करने की मनाही होती है, वहीं जिन बातों को हलाल बताया गया है उन्हें करने की इजाजत होती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हलाल खाने पीने की चीजों की निर्माण प्रक्रिया और जानवरों के बलि पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि किसी अमुक उत्पाद को इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार तैयार किया गया है। कई कंपनियां अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफाइड का स्टैंप लगाकर लगातार बेच रही थी, जिस पर योगी सरकार अब कार्रवाई कर सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।